Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain you chapter number 1, that is tolerance, from your book Welcome Life, class plus 2, Punjab School Education Board. तो चलिए करते हैं. टॉलरेंस क्या है? टॉलरेंस इज अ स्पिरिट टू लिव विद पेशेंस एंड हम्बलनेस. टॉलरेंस एक ऐसा जज्बा है जिसमें कि आप जो शांति और नम्रता पूर्वक जो है वो रहते हैं. इट इज टॉलरेंस टू एक्सेप्ट एवरी रिलीजन, कास्ट, कलर, क्रेड, रीजन और कल्चर. और ये टॉलरेंस ही है कि आप हर जो धर्म है, जाति है, रंग है, कोई भी पंथ है, कोई भी क्षेत्र है, या फिर किसी भी तरह की संस्कृति है. तो जैसे भारत विभिन्नताओं का देश है, इसमें अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, कास्ट के लोग हैं, अलग अलग उनका रंग भेद है, ठीक है, और उनके पंथ अलग अलग हैं, उनके क्षेत्र अलग अलग हैं और उनकी संस्कृति भी अलग अलग है. लेकिन अगर हम सब लोग मिलके रहते हैं, पेशेंस के साथ रहते हैं, नम्रतापूर्वक रहते हैं, तो यही टॉलरेंस है. इनफैक्ट दिस वर्च्यू इज रिलेटेड विद द आर्ट ऑफ लिविंग. और ये जो वर्च्यू है ये आर्ट ऑफ लिविंग के साथ रिलेटेड है. राइजिंग अबव म्यूचुअल राइवलरी एंड जेलस. और ये म्यूचुअल मतलब आपसी दुश्मनी और जो ईर्ष्या है उससे जो है हटके है. इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, इट मीन्स टू एक्सेप्ट द मेरिट्स ऑफ अदर विद पेशेंस, विजडम एंड एस्थेटिक सेंस. और दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो टॉलरेंस का मतलब क्या होता है कि दूसरों के जो मेरिट्स होते हैं, दूसरों के जो गुण होते हैं, उनको पेशेंस के साथ, संयम के साथ, बुद्धि के साथ और एस्थेटिक सेंस के साथ, एक सौंदर्य अनुभूति के साथ जो उसको अनुभव करना, यही टॉलरेशन होती है. वी हैव आवर ओन वे इन विच वी वांट टू लिव. हमारे अपने ही तौर तरीके होते हैं जिनसे कि हम अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, ईट खाना चाहते हैं, सिट बैठना चाहते हैं एंड स्पीक और बोलना चाहते हैं. तो हर एक इंसान का अपना अपना तरीका होता है ज़िंदगी जीने का, खाने पीने का, उठने बैठने का, बोलने का. इफ़ द अदर पर्सन डज ऑल दिस इन द सेम वे ऑफ और डिफरेंटली, द वे इज अडॉप्टेड टू एक्सेप्ट हिम इन टॉलरेंस. अब हर बंदे का अपना अपना लाइफस्टाइल होता है, ठीक है. अब अगर जो चीज़ें मुझे पसंद है हो सकता है वो आपको ना हो, जो आपको पसंद है हो सकता है मुझे ना हो, लेकिन जो जिस तरीके से जी रहा है उसे एज इट इज़ जो है एक्सेप्ट कर लेना, वही टॉलरेशन होती है. अ टॉलरेंट स्टूडेंट नोज दैट अंडरस्टैंड्स दैट इफ ही वॉन्ट्स टू बी हैप्पी अदर्स ऑल्सो वॉन्ट द सेम. अब एक जो टॉलरेंट स्टूडेंट है वो ये जानता है कि अगर वो खुश रहना चाहते हैं तो दूसरे भी तो खुश रहना चाहते हैं. अ टॉलरेंट पर्सन लिव्स विद पेशेंस एंड बिकम्स मोर सक्सेसफुल इन लाइफ. एक जो टॉलरेंट पर्सन होता है जो हर कुछ जो है एक सहनशील जो व्यक्ति है वो एक तो संयम के साथ रहता है और उस संयम की वजह से ही वो एक सक्सेसफुल लाइफ जो है वो जीता है. टॉलरेंस डज नॉट मीन टू कंसिडर वन सेल्फ वीक एंड बियर ऑपरेशन साइलेंटली, बट टू एक्सप्रेस वन सेल्फ पीसफुली एंड विद लॉजिक. टॉलरेशन का मतलब ये नहीं होता है कि कोई आपके साथ धक्का कर रहा है, आप उसको मतलब सहते रहो, आप उत्पीड़न को सहो, आपकी कमजोरी नहीं होता है वो. लेकिन टॉलरेशन क्या होता है, सहन शक्ति क्या होती है, टू एक्सप्रेस वन सेल्फ पीसफुली, कि खुद को शांतिमय तरीके से एक्सप्रेस करना विद लॉजिक, किसके साथ, तर्क के साथ. आर टॉलरेंस इज टेस्टेड इन एडवर्स कंडीशन. एडवर्स कंडीशंस होती हैं विपरीत परिस्थितियां. तो जो आपकी सहन शक्ति होती है ना, उनको विपरीत परिस्थितियों में, यानी कि जो कंडीशंस आपकी फेवर में नहीं हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, उसमें भी आप टॉलरेशन के साथ रहते हैं, पेशेंस के साथ रहते हैं, दैट इज़ व्हाट वी कॉल टॉलरेशन. ड्यू टू लैक ऑफ टॉलरेशन वी कैन गेट नर्वस क्विकली एंड गेट फ्यूरियस और टेंस्ड. जब सहन शक्ति नहीं होती है तो हम नर्वस हो जाते हैं बहुत जल्दी, है ना, हम बहुत ज़्यादा गुस्सा में हो जाते हैं या हम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती हैं. टू अटेन दिस वर्चू, इस नेकी को प्राप्त करने के लिए, इस गुण को प्राप्त करने के लिए, कंपनी ऑफ टॉलरेंट पीपल, हमें कैसे लोगों के साथ रहना चाहिए,
टॉलरेंट पीपल के साथ रहना चाहिए, जो सहनशील होते हैं लोग उनके साथ रहना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग, हमारी सोच जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। एंड इनिट मेडिटेशंस आर वेरी मच रिक्वायर्ड, और इनिट मेडिटेशन हमें करनी चाहिए। तो अभी तक हमने क्या समझा कि जो टॉलरेशन है उसका मतलब ये होता है कि हम हर तरह के कास्ट, रंग, जाति, धर्म, पंथ, उन सब लोगों की रिस्पेक्ट करें, सबके साथ पीसफुली रहें। और टॉलरेशन का मतलब ये भी होता है कि सब कुछ आपने चुपचाप सहन नहीं करना होता है, बल्कि खुद को जो पीसफुली एक्सप्रेस करना होता है तर्क के साथ, और जो जैसे अपनी लाइफ को जी रहा है उसे एज इट इज़ ही एक्सेप्ट करना। अगर आप अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना चाहते हैं तो दूसरे भी अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, तो जो जैसे जीना चाह रहा है, आपकी फैमिली में भी ऐसा होता है, हमारे फ्रेंड सर्कल में भी ऐसा होता है, हमारे वर्क प्लेस पर भी ऐसा होता है। हमारी नेचर अलग अलग होती है, सबका लाइफ स्टाइल अलग अलग होता है, लेकिन अगर हमारे अंदर टॉलरेशन है तो हम देखेंगे कि ये इसके लाइफस्टाइल है, इसको अपने हिसाब से जीना है, मुझे अपने हिसाब से। तो बड़ी पेशेंस के साथ हम उस इंसान के साथ, उस सोसाइटी के साथ क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। फर्स्ट एक्टिविटी क्या है, अब इस बात को समझाने के लिए, सपोज टू स्टूडेंट सिट इन ईच बेंच इन द क्लास। जो स्टूडेंट्स हैं, दो स्टूडेंट्स हैं, वो अपने अपने जो जगह पे बैठे हुए हैं, यू सिट विद द स्टूडेंट हु इज़ योर फर्स्ट फ्रेंड, और तुम उस स्टूडेंट के साथ बैठते हो जो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है ना। भी दो स्टूडेंट्स हैं जो एक बेंच पे बैठते हैं, और तुम उस स्टूडेंट के साथ बैठते हो जो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है। टुडे अ न्यू स्टूडेंट हु इज़ फ्रॉम सम अदर स्टेट एंड स्पीक्स डिफरेंट लैंग्वेज हैज़ जॉइंट योर क्लास। और आज एक बच्चा आपकी क्लास में ऐसा आया है जो कि किसी और जो प्रांत से संबंधित है, और जो कोई अलग ही भाषा बोलता है, उसने भी आपकी क्लास को ज्वाइन किया है। द टीचर हैज़ टोल्ड यू दैट द स्टूडेंट विल सिट विद यू फ्रॉम टुडे, और आपको आपकी टीचर कहती है कि ये स्टूडेंट आज से ना आपके साथ बैठेगा। तो फिर आपका रिएक्शन क्या होगा, व्हाट थॉट केम इन टू योर माइंड रिगार्डिंग द स्टूडेंट। अब आपके माइंड में क्या सोच आई उस बच्चे के प्रति, यू हैव टू नोट डाउन दीज थॉट्स योर सेल्फ एंड रीड देम। खुद देखो उन थॉट्स को कि क्या है, और फिर उनको जो है नोट डाउन करो, और फिर उनको पढ़ो। देन इवेलुएट योर टॉलरेंस योर सेल्फ, और फिर अपनी टॉलरेंस जो है, सहन शक्ति है जो, उसको इवेलुएट करो, उसका मूल्यांकन करो कि आप में कितनी की टॉलरेशन है। अब आप अपने दोस्त के साथ बैठे हुए थे, नया बच्चा आया, ना आपको जानता है, ना वो आपके प्रांत का है, वो लैंग्वेज भी डिफरेंट बोल रहा है, और टीचर कह रही है कि आपने उसके साथ बैठना है, तो आपके रिएक्शंस क्या होंगे ये आपको खुद ही पता है, आपको खुद लिखना है और खुद ही आपको उसको पढ़ के इवेलुएट करना है। स्टूडेंट्स हैव टू पुट अ टिक और अ क्रॉस अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट फॉर द पर्पज ऑफ इवेलुएशन। आई शुड नॉट सिट ऑन माई बेंच, मुझे अपने बेंच पे नहीं बैठना चाहिए, ये थॉट आएगी। आई फेल्ट गुड दैट दिस स्टूडेंट हैज़ कम फ्रॉम सम अदर स्टेट, और मुझे अच्छा लगा कि ये स्टूडेंट जो है वो किसी और स्टेट से आया है। आई विल गेन सम नॉलेज अबाउट दिस हिज स्टेट, तो मुझे उसके प्रांत के बारे में कुछ नॉलेज मिलेगी। थर्ड है, आई डोंट लाइक इट, इन द नेक्स्ट पीरियड आई विल आस्क हिम टू सिट ऑन सम अदर बेंच। कि अभी तो टीचर हैं क्लास में, टीचर ने बोला है कि आपके साथ बैठना है, मुझे ये पसंद नहीं था, लेकिन अभी तो मैं इसको बैठने देता हूँ, लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं इसको कहूँगा कि चल यहाँ से किसी और बेंच पे जाके बैठ। सम अदर थॉट्स माइट कम इन टू द माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स, कोई और सोच भी स्टूडेंट्स के माइंड में आ सकती है, दे कैन राइट देम ऑल्सो, उसको भी आप लिख सकते हैं। आफ्टर डूइंग दिस एक्टिविटी अंडर द गाइडेंस ऑफ देयर टीचर द स्टूडेंट्स विल ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर टॉलरेंस पावर। और जब आपने ये सब कुछ लिख लिया बिल्कुल ऑनेस्टली, ठीक है, कि आपके दिमाग में क्या आया था, फिर आप अपने टीचर की मदद से अपने टॉलरेंस पावर को इवेलुएट करोगे और समझोगे। द स्टूडेंट हु ट्रीट्स द स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर स्टेट एंड लैंग्वेज लविंगली एंड एंड्योर्स हिज बिहेवियर विल बी मोर टॉलरेंट दैन अदर्स। वो स्टूडेंट्स जो वो नया स्टूडेंट आया है उसकी जो स्टेट है और उसकी जो लैंग्वेज है उसको वो प्यार करेंगे, और उसके बिहेवियर जो है उसको भी एंड्योर करेंगे।
वो स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा सहनशील जो होंगे होंगे, ठीक है। जो स्टूडेंट्स उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स दे हैव लैक ऑफ टॉलरेंस। सेकेंड एक्टिविटी है, ये एक स्टोरी के थ्रू बताई गई है। देयर वॉज अ स्टूडेंट कॉल्ड मंजीत, एक मंजीत नाम का लड़का था, हु वॉज वेरी शॉर्ट इन हाइट, जिसकी कि जो कद था वो बहुत छोटा था। सिंस हिज चाइल्डहुड स्टूडेंट्स हैज बीन टीजिंग हिम एंड कॉलिंग हिम छोटू, और उसके बचपन से ही जो विद्यार्थी थे उसको क्या कह के छेड़ते थे, छोटू, क्योंकि उसकी हाइट छोटी थी। ही फेल्ट मच एंग्विश्ड, उसे बहुत गुस्सा आता था। वन डे ही वॉच्ड अ मूवी ऑन टीवी, और एक दिन उसने टीवी पे एक फिल्म देखी। इट वॉज अबाउट अ बॉय लाइक हिम, ये उसी के जैसे एक लड़के की थी। इन द मूवी व्हेन एनीवन टीज्ड हिम कॉलिंग हिम छोटू, ही जस्ट स्माइल्ड एंड सेड वन डे आई विल बिकम ग्रेट थ्रू माई गुड डीड्स। जब भी उसको कोई छोटू कह के बुलाता तो वो कहता कि एक दिन मैं अपने कर्मों से बड़ा बनूंगा। द मूवी हैड अ ग्रेट इफेक्ट ऑन द मंजीत। अब मंजीत जो था उसने वो मूवी देखी और उस पर उसका बड़ा असर हुआ। सिंस दैट डे मंजीत रिजॉल्व दैट ही वुड नॉट गेट इरीटेटेड ऑन बींग टीज्ड बाई अदर। फिर उसने डिसाइड किया कि अब अगर मुझे कोई इरीटेट करेगा तो मैं इरीटेट नहीं हूँगा, ना ही टीज्ड फील करूँगा। दिस थॉट मेड हिम गुड नेचर्ड, तो यही सोच ने उसे एक अच्छी प्रकृति का इंसान बना दिया। इन ऑर्डर टू अचीव हिज एम ही स्टार्टेड रीडिंग लाइब्रेरी बुक्स इन एडिशन टू हिज कोर्स बुक, और फिर उसने अपना जो उसका उद्देश्य था उसकी प्राप्ति के लिए उसने अपने जो कोर्स की बुक्स थी उसके अलावा अन्य बुक्स भी पुस्तकालय में जाके पढ़ना शुरू कर दी। ही बिगेन टू टॉप द क्लास, और फिर ऐसे सेल्फ स्टडी करने से, एक्स्ट्रा स्टडी करने से उसने जो टॉप क्लास हासिल की। हिज टीचर्स एंड पेरेंट्स फेल्ट प्राउड ऑफ हिम, और उसकी जो अध्यापक थे, उसके जो पेरेंट्स थे, उसके मम्मी पापा जो थे, वो उस पे गर्व महसूस करने लगे। नाउ द अदर स्टूडेंट स्टार्टेड कॉलिंग हिम बाय हिज रियल नेम, अब दूसरे स्टूडेंट जो उसे टीज करते थे छोटू छोटू कह के, वो भी उसको उसके रियल नेम से बुलाने लगे। बाय डिंट ऑफ हिज हार्ड वर्क ही क्रैक्ड द पीसीएस एग्जाम, और उसके हार्ड वर्क की वजह से ही उसने पीसीएस का एग्जाम जो था वो पास कर लिया। द वर्च्यू ऑफ टॉलरेंस दैट ही हैड लर्नड इन हिज चाइल्डहुड प्रूव्ड यूजफुल इन द रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द अदर्स एज वेल। अब जो उसने वो नेकी सीखी थी, जो गुण उसने सीखा था सहनशीलता का अपने बचपन से ही, ठीक है, वो उससे उसकी खुद की प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई थी, लेकिन उन्होंने उसने दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना भी सीख लिया था। इन हिज ऑफिस, उसके दफ्तर में, ही लिसन टू हिज सबॉर्डिनेट्स पेशेंटली, वो अपने सबॉर्डिनेट्स को बड़े धैर्यपूर्वक सुनता था। एंड मेड वाइज डिसीजंस, और जो वाइस डिसीजन लेता था, ही बिकेम अ पॉपुलर ऑफिसर, और वो बहुत ही लोकप्रिय अफसर बन गया। दिस इज़ अ रिमार्केबल क्वालिटी ऑफ टॉलरेंस, और ये जो टॉलरेंस की एक जो रिमार्केबल गुण था, ठीक है, सबसे अच्छा गुण था। तो ये था आपका लेसन अबाउट टॉलरेशन। तो आई होप कि आपने ये वीडियो एंड तक देखा होगा, आपको ये सारा लेसन जो है वो समझ भी आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस टाइम।